जय माता जी के साम। 16 जुलाई 2020 को मासा निर्मल कंवर सावराद की प्रथम पुण्यतिथि पर मासा निर्मल कंवर को सत सत नमन करता हूँ और 16 जुलाई 2020 को एक एनजीओ की नींव रखी जा रही है जो मासा निर्मल कंवर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सावराद के नाम से नींव रखी जाएंगी, जो एक सामाजिक कार्यों में अग्नि रूप से सेवा देगी। इसी के साथ एक निबंध प्रतियोगिता है जिसमें मेरा एक टॉपिक रहेगा कन्या भ्रूण हत्या। सबसे पहले मैं अपना परिचय करवा देता हूँ। मैं रावणा राकेश सिंह गहलोत, ग्राम निम्बिजोदा, तहसील लाडनू, जिला नागौर। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है। अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसी लिंग परीक्षण जांच के बाद जन्म से पहले माँ के गर्भ से लड़की के भ्रूण को समाप्त करने के लिए गर्भपात की प्रक्रिया को कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। इसका एक शाब्दिक अर्थ है कि पेट में अगर भ्रूण लड़की का है तो उसको कन्या को पेट में ही मार दिया जाता है। ये एक कन्या भ्रूण हत्या है। हालांकि कन्या भ्रूण या कोई भी लिंग परीक्षण भारत में गैरकानूनी है, लेकिन फिर भी भारत में दिनों दिन ये एक बहुत बड़ी विकराल समस्या होती जा रही है। क्या गुजरी होगी उस भ्रूण पर, उस कन्या पर जो कुछ ही समय में अभी सही से आंखें भी नहीं खोली है, लेकिन फिर भी उसको पेट में ही मार दिया जाता है। वो कन्या उस भ्रूण के मन से क्या आवाज़ आती है, मैं आपको मेरी पंक्तियों के मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी पंक्तियों के साथ दर्शाना चाहता हूँ उस भ्रूण के मन की आवाज़। ज़रा सुनिए। अभी मैंने माँ शब्द ही नहीं लिया, अभी मैंने माँ शब्द ही नहीं लिया, माँ ने ही मुझे मरवा दिया। अभी मैंने माँ शब्द ही नहीं लिया, माँ ने ही मुझे मरवा दिया। अरे भला माँ बच्चे को मारती है क्या, अरे भला माँ बच्चे को मारती है क्या, पापा ने ही मजबूर किया होगा, पापा ने ही मजबूर किया होगा। अरे पापा को तो बेटियाँ प्यारी होती है, अरे पापा को तो बेटियाँ प्यारी होती है, कहीं परिवार वालों ने ही दबाया होगा, कहीं परिवार वालों ने ही दबाया होगा। अरे लेकिन तो परिवार तो पहली पाठशाला है, अरे परिवार तो पहली पाठशाला है, समाज में बदनामी का डर खाया होगा, समाज में बदनामी का डर खाया होगा। अरे समाज तो सुरक्षा के लिए होता है, अरे समाज तो सुरक्षा के लिए होता है, अंधविश्वास ने बरमाया होगा, अंधविश्वास ने बरमाया होगा। अंधविश्वास आया कहाँ से, अरे अंधविश्वास आया कहाँ से, अर्ध ज्ञानियों ने फैलाया होगा, अर्ध ज्ञानियों ने फैलाया होगा। पर अब तो तुम पढ़े लिखे हो, पर अब तो तुम पढ़े लिखे हो, अरे अब तो तुम पढ़े लिखे हो, फिर भी अक्षमय पाप करते हो, फिर भी अक्षमय पाप करते हो। आखिर कब समझोगे, अरे आखिर कब समझोगे, बिन नारी नहीं होंगे, आखिर कब समझोगे, बिन नारी नहीं होंगे। जब संसार नारी हीन होगा, अरे जब संसार नारी हीन होगा, तब नर कहाँ से पैदा होगा, तब नर कहाँ से पैदा होगा। आखिर में केवल आखिर होगा, आखिर में केवल आखिर होगा, नारी नहीं तो नर भी नहीं होगा, नारी नहीं तो नर भी नहीं होगा। फिर किसको गर्भ में मारोगे, अरे फिर किसको गर्भ में मारोगे, अरे फिर किसको गर्भ में मारोगे। सदा के लिए जीवन से हारोगे, सदा के लिए जीवन से हारोगे। समय रहते समझ जाओ, समय रहते समझ जाओ, फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। सुखदेव दर्जी की रचना है, सुखदेव दर्जी की रचना है, राकेश गहलोत ने कही है, गर्भ में बेटी को किसी भी कीमत पर मरवाना नहीं है, गर्भ में बेटी को किसी भी कीमत पर मरवाना नहीं है। ले लो परण न भ्रूण हत्या करेंगे, अरे ले लो परण न भ्रूण हत्या करेंगे, न करने देंगे अब गर्भ में बेटी को
किसी को नहीं मारने देंगे, अब गर्भ में बेटी को किसी को नहीं मारने देंगे। साथियों, ये एक कन्या भ्रूण के मन की आवाज़ थी कि अभी तो मैं इस दुनिया में आई नहीं, फिर भी मुझे एक बोझ समझकर मार डाला जाता है। साथियों, एक बात बताओ, क्या कन्या भ्रूण हत्या होती है तो उसके माता पिता ही जिम्मेदार होते हैं? नहीं साथियों, कन्या भ्रूण हत्या होती है तो माता पिता के साथ साथ समाज भी उसका दोषी होता है, क्योंकि समाज ने एक धारणा बना लेती है। इसके कई कारण हैं। एक तो समाज ने पुरुषवादी मानसिकता बना रखी है, कि बेटी बोझ है। अरे साहब, बेटी बोझ नहीं है, बेटी तो वो रतन है जो सौभाग्य वालों को मिलता है। एक बहुत विकराल समस्या है, वो भी कन्या भ्रूण हत्या का कारण है, दहेज प्रथा। आज दहेज प्रथा के कारण भी कन्या भ्रूण हत्या होती है। एक कारण है सुरक्षात्मक शंका के दौर पर भी, उस स्त्री लड़कियों की चिंता के तौर पर भी भ्रूण हत्या होता है। मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, अरे दे दो दर्जा बेटियों को सम्मान अधिकार का, उनके ख्वाहिशों को ना अंकुश लगाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हे मूर्ख प्राणी, पत्नी की कोख में जिन मूर्खों ने कन्या भ्रूण हत्या की है, उनके लिए मैं दो लाइन बोलना चाहूँगा। बेटी को मरवा दिया जिसने पत्नी की कोख में, अरे कन्या ढूंढने निकला है वो नवरात्रि के कन्या भोज में, ये अभी की एक समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। इसलिए भारत माता के वतन में देखो कैसी नादानी, कन्या भ्रूण को हत्या, युगों युगों की कहानी। लेकिन जो ये कहते हैं बेटी बोझ है, उनके लिए मैं एक दो लाइनों में, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, दो लाइनों में उनको ये बोलता हूँ। अगर आप बोलते हो बेटा वारिस है तो मैं बोलता हूँ बेटी पारस है। अगर आप बोलते हो बेटा वंश है तो मैं बोलता हूँ बेटी अंश है। बेटा आन है तो बेटी गुमान है, बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, बेटा आग है तो बेटा बाग है, बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, बेटा भाग्य है तो बेटी विधाता है, बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। जब इतनी कीमती है बेटियाँ तो फिर क्यों खटकती है मन को बेटियाँ, जबकि सबको पता है बेटों को भी जन्म देती हैं बेटियाँ। मैं सभी बहनों से निवेदन करूँगा, नारी शक्ति से निवेदन करूँगा कि अगर आप सशक्त हो जाते हैं, अगर आप अपनी सोच बदल जाती है, तो कोई भी किसी का अधिकार नहीं है कि आपके पेट में, आपके गर्भ में पड़ रहा भ्रूण हत्या उसकी कर सके। इसलिए मैं बहनों आपसे दो पंक्तियों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। उठो बहनों ये प्रण लो, ये पाप नहीं होने देंगे। एक नन्ही सुगंधित कली को यूं ही नहीं सोने देंगे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नीचे टिप्पणी में ज़रूर बताएं, और आपसे ज़रूर एक निवेदन करूँगा हाथ जोड़ के, कि आपके आस पड़ोस में या आपके जानकारी में कहीं पर भी कन्या भ्रूण हत्या होती है तो आप उसका विरोध करो, और कैसे भी करके कन्या भ्रूण हत्या को रोकिए, क्योंकि नारी के बिना दुनिया नहीं है। आज अपन अपने घर में आते हैं, माँ के बिना, बेटी के बिना कोई भी, हर घर पर एक पत्नी के बिना, माँ के बिना, हर एक रिश्ते में एक नारी जुड़ी हुई है, उस नारी के बिना घर अधूरा है। इसलिए अभी अपन नहीं संभलेंगे तो आगे संभलने में नहीं आएंगे। इसी के साथ भ्रूण हत्या रोकिए। जय हिंद, जय भारत।